ठगने की जरूरत क्या थी काव्या? अरे प्यार से मांग के देख लेती, ये ईंट पत्थर बाप बापूजी तो क्या, मेरे बच्चे तक तुम्हें एकदम खुशी खुशी भीख में दे देते। परिवार के बिना घर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी होता है, मिट्टी। और इस मिट्टी के लिए तुमने अपने पति तक को धोखा दिया। छी, पर तुमसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? चोरी तो तुम्हारा स्वभाव है, मकान हो या पति, जो कुछ भी पाया है चोरी करके ही पाया है। चलो बाप बापूजी हम सबका ना सही, कम से कम अपने पति की तो सगी हो जाती। मैं अपने पति से प्यार करती हूँ। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्यार करती हो। अगर अपने पति से प्यार करती ना, तो उन्हें और उनके परिवार को इस तरह से धोखा नहीं देती, उनका अपमान नहीं करती। मैंने किसी का अपमान नहीं किया है, मैंने सिर्फ सच कहा है। और अगर सच तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं? मैंने तुमसे ज्यादा घटिया, तुमसे ज्यादा गिरी हुई औरत आज तक इस दुनिया में नहीं देखी। अब तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। मैंने तो सिर्फ सच कहा है, और सच तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं? तुमने तो बहुत छोटी चोरी कर दी काव्या। घर के बड़े माता पिता भगवान समान होते हैं, तुम चाहती तो इन्हें अपने साथ करके इस घर को मंदिर बना सकती थी, पर तुम तो मंदिर के बाहर की चप्पल चोरी करके रह गई। बोल। मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने अपना हक हासिल किया है, और मैं किसी को निकाल नहीं रही हूँ। आप सब यहाँ रह सकते हैं, मेरे घर में। आप सबको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अरे आप सब मेरे अपने हो। अपने? जिस घड़ी तुमने मेरे माँ बाप की बेइज्जती की थी काव्या, ये उसी घड़ी पराये हो गए थे। वी प्लीज, हर घर में बहू और इन-लॉज की लड़ाई होती है, हमारी भी हो गई। अरे गुस्से में तो लोग क्या क्या नहीं कह जाते हैं, क्या क्या नहीं कर जाते हैं। यही बात अगर तुम्हें बा एक चांटा लगा के कहे कि गुस्से में लोग कुछ भी कर जाते हैं, तो तुम्हें कैसा लगेगा काव्या? वी एक बार ये लोग घर के अंदर आ जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, फिर मैं सॉरी भी कह दूंगी। हाँ मैं गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गई, लेकिन भी तुम्हें भी अपने गुस्से में कहाँ कंट्रोल रहता है? तुम मुझसे कहते रहते हो ना कि अच्छी बहू बनके दिखाओ, अच्छी बहू बनके दिखाओ। अरे कभी अपने बा और बापूजी से भी कहो ना कि अच्छे सास ससुर बनके दिखाए, मेरी गलती इग्नोर करे और अंदर आ जाए। वी अब भी घर के बड़े हैं, और मैं अब भी इस घर की बहू हूँ। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, भी एकदम नॉर्मल हो जाएगा, सिर्फ घर के पेपर्स मेरे नाम पे होंगे बस। बापूजी, मैंने जो कुछ भी कहा है प्लीज उसे भूल जाइए और घर के अंदर आ जाइए। अगर आप घर के अंदर आएंगे ना तो आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप अनुपमा के साथ रहना चाहते हैं तो आई एम ओके विद दैट आल्सो। हां काव्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बापूजी से ऐसे बात करने की? अरे वी, ऐसी बात करने के लिए हिम्मत नहीं, कॉमन सेंस की जरूरत होती है। अगर कोई हमारे साथ घर में रहना ही नहीं चाहता तो कब तक उनके हाथ पैर जोड़ते रहेंगे हम? और तुम्हें क्या लगता है घर में किसी को रखना मजाक होता है क्या? एक एक इंसान का कितना खर्चा होता है जानते हो? और वैसे भी मेरा कोई अनुज कपाड़िया की तरह रिच बॉयफ्रेंड तो है नहीं। तुम्हें असली अफसोस इसी बात का है ना काव्या, कि अनुज कपाड़िया तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। आप सब प्लीज अंदर आइए। पहले तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम बदतमीज बहू हो या अच्छी बहू हो, क्योंकि पिछले 10 मिनट में तुमने इतनी पलटी खाई है, इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कही है कि हमारी छोड़ो तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम क्या चाहती हो। तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ तुम्हें क्या करना है। मैं सिर्फ तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। कहाँ? रोड पे, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने तोशु को तो पेंट हाउस से लात मार के निकाल दिया है। बाय द वे, तोशु पेंट हाउस था कैसा? इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनी है पेंट हाउस के बारे में, एक आध फोटो वोटो तो दिखाओ। काव्या तुम, व्हाट काव्या? मैंने कहा था ना कि मॉम की बातों में मत आना। अब रहो इस साइको सौतेली माँ के साथ, क्योंकि मैं तो इसके साथ इस घर में नहीं रहूंगी। मैं भी नहीं, मैं अपनी मम्मी के साथ रहूंगा। मैं भी यहाँ नहीं रह सकती। पाखी, अपनी बेस्टी के पास आओ। ऐसे बच्चे उठाने वालों की तरह बुलाओगी ना तो जो आ रहा है वो भी वापस चला जाएगा। एनीवे, जिस जिसको यहाँ मेरे घर में रहना है अभी बता दो। मिश्रा, क्या करूं? आप कहें तो मैं
सबको अपने साथ ले जाओ। ऐसे कब तक बाहर खड़े रहेंगे? डिसाइड करो और जब डिसाइड हो जाए तो मैसेज कर देना। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। मेरी फैमिली मेरा घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए, मैं सब सही कर दूंगा। मेरे बाप बापूजी मुझे चाहिए, मेरे बच्चे मुझे चाहिए। अनुपमा तुम समझाओ नहीं, प्लीज समझाओ। तुम्हारी बात सुनेंगे, इनसे कहो कि हमारा ये घर हमसे कोई नहीं ले सकता, मैं नहीं होने दूंगा ऐसा। प्लीज समझाओ। सब अपनी सिक्योरिटी देखते हैं, तो मैंने भी वही किया। आई एम नॉट रॉन्ग, इनफैक्ट ये तो मेरा बड़प्पन है कि मैं इतना सब होने के बाद भी उन लोगों को अपने घर में रहने के लिए परमिशन दे रही हूं। बाकी रहना ना रहना दैट्स देयर प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन अगर उन्हें मेरे घर में रहना है तो उन्हें मेरे हिसाब से रहना होगा, क्योंकि ये घर अब मेरा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मिस्टर शाह परिवार को जोड़ के रखना चाहते हैं। जब वो इतनी कोशिश कर रहे हैं तो आप सबको भी उनका साथ देना चाहिए। काव्या की हरकतों की सजा अपने पापा को मत दो। तुम सब अच्छी तरह से जानते हो कि इनकी जान इनके बच्चों में बसती है। पहले तो सिर्फ घर टूट रहा था, पर अब आप कहे ना बापूजी तो आपका बेटा टूट जाएगा। प्लीज बापूजी, प्लीज मुझे एक मौका और दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। प्लीज। उसकी आंखों में आंसू तेरे लब उसकी मुस्कान धरती जितना दुख सहे माँ फिर भी कुछ ना क्यों कहे मैं जानती हूँ कि मिस्टर शाह अपनी जान लगा देंगे, लेकिन कान्हा जी आप भी उनकी मदद करना ने मेरे परिवार को साथ रखना और खुश रखना। I'm so sorry. शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई, कुछ ज्यादा ही कर गई भी। लेकिन भी मैं क्या करती? I was insecure भी। मुझे हर समय ऐसा लगता रहता था कि यहाँ पर किसी भी चीज पर मेरा कोई हक ही नहीं है। I'm sorry. शायद मैंने जो किया मेरा करने का तरीका गलत था, लेकिन मेरी नीयत कभी भी गलत नहीं थी भी। मुझे सिर्फ एक सिक्योरिटी चाहिए थी, that's it।
ये मैं तो अभी भी चाहती हूँ कि सब लोग मिलजुल कर एक परिवार की तरह इसी घर में रहें। दी आई प्रॉमिस मैं अच्छी बहू अच्छी वाइफ बन के दिखाऊंगी। मैं बाप बापूजी तुम्हारे बच्चों सबका ख्याल रखूंगी। आई प्रॉमिस भी। बस तुम मुझसे नाराज मत हो। प्लीज वी प्लीज आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें हर बार मौका दिया और तुमने क्या दिया? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा। मेरा और अनुपमा का रिश्ता 26 साल में जहां आया था, मेरा और तुम्हारा रिश्ता 1 साल में वहां आ गया है। अब प्यार का नहीं सिर्फ नाम का रिश्ता है। अगर रिश्ता पहले जैसा हो गया है तो मुझे भी पहले वाला वनराज शाह बनना होगा। अपने परिवार की खुशी के लिए मैं वही वनराज शाह बन के दिखाऊंगा। अब तुम क्या, पूरी दुनिया देखेगी कि वनराज शाह क्या चीज है, क्या चीज है।